नमस्कार विद्यार्थियों, एमडी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12th साइंस का रिजल्ट कैलकुलेटर लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है, राजस्थान बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स है वो रद्द कर दिए। इसके बाद राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला तय किया, जिसमें कक्षा 12th के लिए क्लास 10th के 40% अंक, क्लास 11th के 20% अंक, क्लास 12th सतत मूल्यांकन के 20% अंक व 17 के 20% अंक तय किए हैं। लेकिन सभी विद्यार्थियों के सामने समस्या ये आ रही है कि हम इसकी सटीक गणना किस प्रकार से करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12th साइंस वाले रिजल्ट कैलकुलेटर से अपना रिजल्ट चुटकियों में किस प्रकार से निकालेंगे, वो भी मात्र 30 सेकेंड में पूरा रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी गणना करने में ज्यादा परेशानी हो रही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें कैलकुलेटर यूज करने के लिए rajasthanjkzone.com वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आपके सामने ये विंडो प्रदर्शित होगी, जिसमें आपको क्लास 12th के साइंस के रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगी। और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर RBSE क्लास 12th साइंस रिजल्ट कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस रिजल्ट कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपके पास क्लास 10th की और क्लास 11th की मार्कशीट होना जरूरी है। इसके बाद राजस्थान बोर्ड क्लास 12th साइंस के अंकों की गणना किस प्रकार से करेंगे, नीचे स्टार वाले बॉक्स में आप अपने नंबर भरने हैं। डाटा भरने के बाद आपके सामने आपका कक्षा 12वीं साइंस का परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 10 का अंक बार जिन 3 विषयों में अधिकतम अंक है उनके औसत का 40% अंक बार हमें निकालना है। टॉप 3 विषयों के अंक यहाँ पर आपको फिल करने हैं, जैसे हमने कर दिए 89, 83, 80। इस प्रकार से हमारे सामने तीनों विषयों के टॉप 3 विषयों के अंकों के एवरेज का औसत 40% हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हमें कक्षा 11 के अंक को अंक भरने हैं। कक्षा 11 में हमारी परसेंटेज है 90, तो 90% का 20% अंक बार हम निकालेंगे तो हमारे सामने आएगा 18 नंबर। इसके बाद 12वीं कक्षा के सतत मूल्यांकन के अंक बनने 20 में से जो कि विद्यालय समिति द्वारा भेजे जाएंगे। आप यहाँ पर आए अनुमानित तौर पर आप अपने अंक भर सकते हैं, जैसे 19 हिंदी में भेजेंगे विद्यालय, 18 अंग्रेजी, सब्जेक्ट तीन, प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट्स में जो 20 अंक भेजने हैं विद्यालय को वो सभी में भेजने हैं। इनके लिए कोई फॉर्मूला अलग से नहीं बनाया कि साइंस वाले अलग भेजेंगे और आर्ट्स वाले अलग भेजेंगे, सभी को समान रूप से बोर्ड ने मंगाया है। बोर्ड अपने स्तर पर इन अंकों की गणना कर लेगा। तो यहाँ पर हमने भर दिए सब्जेक्ट 3 में 18 अंक, सब्जेक्ट 4 में 19 और सब्जेक्ट 5 में 20। इस प्रकार से हमारे पास 500 सब्जेक्ट के सतत मूल्यांकन के अंक बढ़ दिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कक्षा 12 के 17 अंक के अंक बढ़ने 20 में से, तो 20 में से हिंदी में दिए 18, अंग्रेजी में 19, सब्जेक्ट 3। अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो भी आपको 20 बनने, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो भी आपको 20 में से ही बढ़ने हैं, क्योंकि बोर्ड अपने स्तर पर इन अंकों की गणना करेगा। तो 20 में से 19 आ गए सब्जेक्ट 3 में, 19 आ गए सब्जेक्ट 5 में और 18 गए सब्जेक्ट 5 में। इस प्रकार से हमारे 17 अंक के अंक बढ़ दिए। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंक बढ़ने हैं 30 में से, जो कि विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट 3 में विद्यालय द्वारा 29 अंक, सब्जेक्ट 4 में 29, सब्जेक्ट 5 में 30 अंक। इस प्रकार से हमारे सामने तीनों प्रैक्टिकलों के अंक बढ़ दिए। अब हमारे सामने ये पूरा डाटा बन के आ गए। कक्षा 12 के कुल अंक विषयवार, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 सतत मूल्यांकन व 17 अंक के अंकों का योग हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंकों का भी योग है सब्जेक्ट 3, 4 और 5 में। तो हिंदी में 28.6, अंग्रेजी में 28.6, विषय 3 में 91, विषय 4 में 91 और विषय 5 में 91। इस प्रकार इन सभी के टोटल का योग होगा 500 में से 451 नंबर और हमारी यहाँ पर कुल परसेंटेज बन रही है 90.25% बन रही है।
विद्यार्थियों यह रिजल्ट केवल अनुमानित है, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट ही वैध होगा और मान्य होगा। इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो संबंधित आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।